चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। जयपुर से खबर है जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी जो है वो तेज हो चली है और कल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर इसको लेकर बैठक की जाएगी। बैठक का आयोजन किया जाएगा, दोपहर 1 बजे बैठक लेंगे मंत्री शांति धारीवाल। ये जानकारी आप तक पहुँचा दें। जयपुर के ब्लॉक समन्वयकों के साथ चर्चा करेंगे और जयपुर में कांग्रेस विधायक भी बैठक में शामिल होंगे और ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर ये बैठक आयोजित की जा रही है। 26 जनवरी से आपको बताएं कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से की जाएगी। गणतंत्र दिवस के दिन से अभियान की शुरुआत होगी और कल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर यह बैठक होनी है। ये अपडेट जो इस बीच बड़ी आ रही है, दोपहर 1 बजे बैठक लेंगे मंत्री शांति धारीवाल। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर यह बैठक की जाएगी। जयपुर के ब्लॉक समन्वयकों के साथ करेंगे चर्चा और कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो भी बैठक में शिरकत करेंगे, उनकी भी मौजूदगी जो है वो देखने को मिलेगी। ये अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है जयपुर से है जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी जो है वो तेज हो चली है। और आपको बताएं कि अभियान के शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं अब और इसको लेकर लगातार रूपरेखा जो है दी जा रही है, अंतिम रूपरेखा जो है अभियान के तैयार की जा रही है। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर और लगातार जनता के बीच जाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। अभियान के तहत जनता के बीच संवाद करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता को बताने का प्रयास किया जाएगा। तो जयपुर से जानकारी है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जानकारी है ये। कल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर आपको बता दें कि ये बैठक होगी। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा। अभियान को लेकर ये बैठक है, ये अहम बैठक। जयपुर से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर बैठक होनी है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर। दोपहर 1 बजे मंत्री शांति धारीवाल जो है वो बैठक लेंगे और बैठक में आपको बता दें कि इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।